यदि आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रॉयल स्टडी को। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च 2019 के करंट अफेयर की, एमपी करंट अफेयर मार्च 2019 की। जी हाँ, और आईएमपी फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, पीडीएफ फाइल भी आपको इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। तो यहाँ पे एमपी जो करंट अफेयर होगा बहुत ही डिटेल में हम इसका डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी होने वाला है। यहाँ पे जो ये एमपी करंट अफेयर है, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पीएससी और एमपी व्यापम के थ्रू भी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं व्यापम, उनके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे। जो एमपी का जो पूरा करंट अफेयर होगा मार्च 2019 का, वो पूरा हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, तो यहाँ से आपका एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो को आपने अगर अंत तक देख लिया तो, क्योंकि मार्च के जितने भी पॉइंट थे इम्पोर्टेंट हमने वो पूरे इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। तो यहाँ से जो वीडियो है अंत तक देख के जाइए, तो यहाँ से आपका जो ये वीडियो देख लेंगे तो पूरा करंट अफेयर मार्च का जो है कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी फरवरी का जो करंट अफेयर था वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पे भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको दोनों वीडियो को देख सकते हैं जनवरी और फरवरी के। मार्च माह का ये करंट अफेयर रहेगा हमारा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी, ट्रेडिशन ऑफ सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी करंट अफेयर मार्च 2019 की, जो आपके लिए बहुत ही आईएमपी है। जनवरी फरवरी का ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, तो वो आप लिंक पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। यहाँ पे मार्च 2019 के करंट अफेयर की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको इससे पहले एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए, उस क्वेश्चन का आपको जो है कि आपका आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे वो होने वाला है। आपका एक क्वेश्चन लेके आए, उसका अगर आप आंसर देंगे, आप हमें कमेंट में आंसर उसका देंगे, तो हम उसका जो अनाउंस है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो जो क्वेश्चन है आपका वो है, देश के 29 राज्यों की राजधानियों में सबसे स्वच्छ राजधानी है। जी, भारत देश में जो 29 राज्य हैं उनकी जो राजधानियां हैं, उन 29 राजधानियों में से सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, सेकेंड ऑप्शन है रायपुर, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन है भोपाल। जी हाँ, देश के 29 राज्यों में की जो राजधानी है उनमें सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है, चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से एक ऑप्शन को आपको बताना है जो बिल्कुल सही होगा, वो ऑप्शन आपको हमें कमेंट करके बताना है। ओके, तो यहाँ पे जो कि आप ये जो बताएंगे कमेंट करके हमें, तो जो फर्स्ट 5 कमेंट होंगे वो भी सही वाले, जो राइट कमेंट होंगे 5 फर्स्ट, उनको हम अगले वीडियो होगा जो हमारा करेंट अफेयर का, उसमें हम जो है अनाउंस करेंगे उनके नाम, जो सही बताएंगे उनके नाम जो है उस वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। जी, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना द्वितीय चरण की 2 इकाइयों का लोकार्पण कब एवं किसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा। सिंगाजी जो ताप विद्युत परियोजना है कि द्वितीय चरण की जो इकाइयों का जो लोकार्पण हुआ है वो 3 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा किया गया है। यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये जो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना जो कि है खंडवा में है, यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो खंडवा में ये स्थित है, आपको यहाँ से ये याद रखना है पॉइंट। और ये 3 मार्च 2019 को किया गया है मुख्यमंत्री श्री जो कि कमलनाथ जी हैं उनके द्वारा खंडवा में किया गया, और 660 की मेगावाट की 2 इकाइयों का लोकार्पण किया गया। दोनों कितने किए, 660 की दोनों इकाइयों है उनका लोकार्पण इनके द्वारा किया गया है। यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। खंडवा जिले में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण के सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 और 660 मेगावाट की 2 इकाइयों का निर्माण किया गया है। ओके, दोनों इकाइयों का जो है लोकार्पण जो है कमलनाथ ने
किया है 3 मार्च को। चलिए इसके बारे में आगे भी हम पॉइंट देख लेते हैं, आईएमएफ फैक्ट जो है। तो परियोजना के प्रथम चरण में 7,820 करोड़ रुपए की लागत से 600 मेगावाट की दो जो इकाइयां हैं विद्युत उत्पादन सुचारू रूप से कर रही हैं। प्रथम चरण की जो इकाइयां हैं और द्वितीय चरण में तैयार हुई सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 और 660 मेगावाट की दो इकाइयों की जो लागत है वो है 7,738 करोड़ रुपए। तो जो फर्स्ट चरण की है उसमें 600 मेगावाट है और सेकंड जो चरण है द्वितीय चरण है उसमें 660 मेगावाट की जो इकाइयाँ लगाई गई हैं। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर पहली बार 2019 में जो कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 2019 में पहली बार अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा गया। आपका जो राइट आंसर है वो है भोपाल। भोपाल में जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली बार 2019 में अखिल भारतीय महिला जो सम्मेलन था उसका आयोजन किया गया। तो यहाँ पे जो सम्मेलन किया गया है मलयाली एसोसिएशन MP चैप्टर द्वारा भोपाल में पहली बार 3 फरवरी 2019 को किया गया है। ओके, तो यहाँ भोपाल में इसका जो आयोजन है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली किस नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा की गई है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इसका जो राइट आंसर है वो है बेतवा नदी। 3 फरवरी 2019 को झांसी में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई है जो कि नितिन गडकरी जी के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कौन सी नदी, बेतवा नदी पर 3 फरवरी को कहा गया है झांसी में आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई है जो कि आपका वाटरवे बनेगा वो बनेगा बेतवा नदी पर। तो गडकरी ने बेतवा नदी को वाटरवे घोषित किया। बोले MP UP के अगर CM की सहमति दे तो 3 दिन में टेंडर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है नितिन गडकरी के जी के द्वारा बोला गया है कि यदि दोनों स्टेट के CM की अगर सहमति हो जाए तो 3 दिन में टेंडर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुंदेलखंड के विकास की नींव रखी है। बुंदेलखंड के नींव की विकास रखी है। तो यहाँ पे जो कहा गया है और कहा गया है जलमार्ग बनने से जो जलमार्ग है वाटरवे है ये बनने से जो आवागमन होगा उसके जो बेहद आसान और सुगम होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो झांसी में ये आयोजित हुए थे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को झांसी में बेतवा नदी को जलमार्ग घोषित करने की घोषणा की है। साथ ही मंच से ही उन्होंने DPR तैयार करने के आदेश दिए। कहा कि बेतवा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पहुंचकर यमुना में मिल जाती है। इस पर जलमार्ग बन जाने से आवागमन बेहद सस्ता और सुगम हो जाएगा। तो ये जो है नितिन गडकरी जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश के जो सूचना आयुक्त बनाए गए वो बनाए गए पत्रकार राहुल सिंह और वन अधिकारी JB कृष्णमूर्ति को। जी पत्रकार राहुल सिंह और वन जो अधिकारी है JB कृष्णमूर्ति उनको दोनों को जो है सूचना आयुक्त जो कि बनाया गया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह को मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। राज्य सरकार द्वारा उनके चयन की जानकारी दी गई है और ETV MP के इंदौर ब्यूरो में रहे राहुल के पास पत्रकारिता का लंबा अनुभव जो कि है। उन्होंने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी पत्रकारिता पर भी काम किया है। तो यहाँ पर जो है इनको बनाया गया है सूचना आयुक्त। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हल्की मकान से जुड़ी परियोजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट नई तकनीक पर आधारित आवास निर्माण के लिए मध्य प्रदेश किस शहर को चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंदौर है। जी हाँ, हल्की मकान से जुड़ी परियोजना का जो तकनीक का आवास निर्माण इसके लिए जो शहर उन्होंने चुना है वो इंदौर को चुना है। इस योजना के तहत 6 शहरों को चुना गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, राजकोट गुजरात, सेकेंड है लखनऊ उत्तर प्रदेश, थर्ड है अगरतला त्रिपुरा और फोर्थ है आपका रांची झारखंड और आपका नेक्स्ट है उसके बाद में है इंदौर मध्य प्रदेश और अगला है चेन्नई तमिलनाडु। तो ये जो 6 शहर हैं इनको चुना गया है हल्की मकान से जुड़ी परियोजना के लिए। यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है और मध्य प्रदेश से इसमें इंदौर को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
बिटिया उत्सव का आयोजन ग्वालियर में कब से कब तक आयोजित हुआ? बिटिया जो उत्सव मनाया गया था ग्वालियर में, उसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 8 से 11 मार्च 2019 तक उसका आयोजन हुआ है, बिटिया उत्सव जो कि ग्वालियर में मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय बिटिया उत्सव समारोह का आयोजन महिला विकास बाल विकास जो मंत्री इमरती देवी और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, बिटिया उत्सव का, जो कि ग्वालियर में मनाया गया था 8 से 11 मार्च 2019 को। ओके, और जो कि आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मुँह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस जिला अस्पताल को प्रथम कायाकल्प अवार्ड वर्ष 2018-19 के जिला अस्पताल श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका है जबलपुर। जबलपुर जो जिला अस्पताल है उसको कायाकल्प अवार्ड वर्ष 2018-19 के लिए, जो कि जिला अस्पताल श्रेणी के अंतर्गत जो अवार्ड है वो प्राप्त हुआ है, कायाकल्प अवार्ड। ओके, तो यहाँ पे इसके आईएमपी फैक्ट है कि श्री तुलसीराम सिलावट जो कि लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इनके द्वारा 6 मार्च 2019 को इंदौर में वर्ष 2018-19 के कायाकल्प अवार्ड की घोषणा की गई है। इस वर्ष 93 अस्पतालों को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें जो प्रथम स्थान जो जबलपुर, द्वितीय होशंगाबाद तथा पन्ना एवं रतलाम को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ये जो अवार्ड दिया गया है ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2019 के स्वच्छ जो भारत सर्वेक्षण में टॉप 20 में मध्य प्रदेश के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो जो स्वच्छता जो सर्वेक्षण हुआ था 2019 में, इसमें जो है मध्य प्रदेश के टॉप 20 में कितने शहर को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे जो आपके जो राइट आंसर है वो 6 रहेगा। टॉप 20 में मध्य प्रदेश के 6 शहरों को शामिल किया गया है। जो 6 शहर हैं उनमें फर्स्ट है आपका इंदौर, जी पहला स्थान इसको प्राप्त हुआ है इंदौर को। नेक्स्ट है उसके बाद में उज्जैन, उज्जैन को 4th स्थान मिला है जी। देवास, देवास को 10th स्थान मिला है। भोपाल को 19th स्थान मिला है और आपका नागदा जो है उसको 18th स्थान, उसके बाद में खरगोन को 17th स्थान। तो यहाँ पे जो सबसे आईएमपी है वो इंदौर, इंदौर को जो है पहला स्थान मिला है। तो जो 6 शहरों को टॉप 20 में चुना गया है मध्य प्रदेश के, इसके बारे में हम और डिटेल में देख लेते हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर इंदौर ने बाजी मारते हुए देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। सर्वे में सबसे खास बात यह है कि देश के टॉप 20 शहरों में मध्य प्रदेश के 6 शहर भी हैं। इनमें इंदौर, उज्जैन, देवास, खरगोन, नागदा और भोपाल शामिल हैं। देवास, खरगोन और नागदा जैसे जो छोटे शहरों में देश के कई बड़े शहरों से भी ज़्यादा नंबर मिले हैं। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन कौन से शहर को शामिल किया गया है टॉप 20 में मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है उसके बाद में पॉइंट आपका, देश और प्रदेश की नगर पालिकाओं में खरगोन नंबर 1 स्थान पर रहा है। तो जो देश और प्रदेश की जो नगर पालिका है उसमें खरगोन नंबर 1 पर रहा है। जबलपुर को इस इनोवेशन में पहला स्थान मिला है। तो जबलपुर किसके लिए मिला है? तो इनोवेशन जो है उसमें पहला स्थान जबलपुर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मुँह करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2019 में स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार कितनी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का गौरव प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है 3री बार, इंदौर लगातार 3री बार नंबर 1 पर बना हुआ है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको याद रखना है स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो स्वच्छ शहर जो है सबसे वो इंदौर है, तो इंदौर जो है 3री बार स्वच्छ के फर्स्ट नंबर पे रहा है। वर्ष 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंदौर को लगातार तीसरी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का गौरव हासिल हुआ है। तो 3री बार लगातार इंदौर बना है सबसे स्वच्छ शहर। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, आगे भी पूछे गए हैं जो भी स्वच्छता सर्वेक्षण थे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माँ नर्मदा, माँ शिप्रा एवं माँ मंदाकिनी नदी न्यास का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? ओके, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कंप्यूटर बाबा। जी हाँ, कंप्यूटर बाबा को माँ नर्मदा, माँ शिप्रा और माँ मंदाकिनी नदी न्यास का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका जो मूल नाम है वो है नामदेव दास त्यागी। इनको कंप्यूटर बाबा के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूज नहीं होना है, कंप्यूटर बाबा जो है बहुत बार चर्चा में रहते हैं, तो इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे इनको जो है इनका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है
तो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं इनको। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कंप्यूटर बाबा नामदेव दास त्यागी को माँ नर्मदा माँ शिप्रा माँ मंदाकिनी नदी न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले जो है ये जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान के दौरान उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है, विधानसभा चुनाव से पहले वे कांग्रेस के समर्थन में आ गए थे। उन्होंने लगातार पिछली जो सरकार थी सरकार द्वारा नर्मदा में जो उत्खनन हो रहा था उससे लेकर सवाल उठाए थे, उससे जो संबंधित सवाल उठाए थे जो नर्मदा में उत्खनन हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इनके बारे में और डिटेल में हम देख लेते हैं। तो पिछली सरकार में इस्तीफा देते वक्त जो इन्होंने जो शिवराज सिंह की जो सरकार थी पूर्व मुख्यमंत्री थे जो, तो उनकी सरकार में इन्होंने क्या है इनको दर्जा तो दे दिया था, बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अपने जो राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। तो पिछली सरकार में इस्तीफा देते वक्त इन्होंने क्या क्या कहा था उसके बारे में देख लेते। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि हज़ारों संतों ने उन पर त्यागपत्र देने का दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुझसे कहा था कि राज्य में अवैध रेत उत्खनन नहीं होगा, गाय की दुर्दशा नहीं होगी, जो मंदिर मठ के संत कहेंगे वही करेंगे, लेकिन मुझसे जो वादे किए गए थे मुख्यमंत्री ने उसके विरुद्ध काम किया है। तो यहाँ ये उनका कहना है शिवराज सिंह के खिलाफ। उन्होंने कहा कि संतों ने मुख्यमंत्री से काम कराने का जिम्मा जो है उन्हें सौंपा है, कंप्यूटर बाबा को सौंपा था। मुख्यमंत्री से काम नहीं करा पाने के कारण संतों ने उन्हें 100 में से 0 नंबर दिए हैं। उन्होंने इसके चलते खुद को फेल बताया था और इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट याद रखना है कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन्नर सभ्यता संस्कृति और साहित्य चिंतन और चुनौतियों विषय पर अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। राइट आंसर आपका इंदौर रहेगा, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषण पखवाड़ा मध्य प्रदेश में कब से कब तक मनाया जाएगा। पोषण जो पखवाड़ा जो योजना चलाई गई है कब से कब तक जो कि आपकी मनाई जाएगी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 8 से 20 मार्च 2019 तक मनाया जाएगा। पोषण पखवाड़ा जो है 8 से 20 मार्च तक मनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है, पोषण पखवाड़ा आपको याद रखना है, ओके। देश का पहला 2 दिवसीय मक्का महोत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया है। देश का जो पहला जो मक्का महोत्सव है वो किस जिले में मध्य प्रदेश के आयोजित किया गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में देश का पहला 2 दिवसीय मक्का महोत्सव जो कि आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। जी मध्य प्रदेश के किस जिले में कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा क्वेश्चन में पूछा गया। आपका जो राइट आंसर है वो जबलपुर, जबलपुर में देश जो कि मध्य प्रदेश का कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। मध्य प्रदेश के जो जबलपुर है उसमें कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश की नोरा देही जो अभ्यारण्य है उसमें किस देश से चीते लाने की बात चल रही है। तो जो नोरा देही जो सागर में है आपका, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इसमें आपको जो है कहाँ से चीते लाने की बात चल रही है। तो नोरा देही जो अभ्यारण्य में जो चीते लाने की बात चल रही है वो नामीबिया से चल रही है, नामीबिया जो देश है उससे चीते लाने की बात चल रही है। और अपन इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, नोरा देही जो अभ्यारण्य है तो अपनी बायोडाइवर्सिटी के कारण नोरा देही वन्य जीव सेंचुरी का स्थान सबसे अलग है। ये जो कि सागर दमोह नरसिंहपुर जिलों के में फैली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रैकिंग एडवेंचर और वाइल्ड सराफी का आनंद सफारी का जो आनंद है वो लिया जा सकता है। तो जो सागर में स्थित है नोरा देही आपको इतना सा याद रखना है, ओके। यहाँ दामो नरसिंहपुर सागर 3 जिलों में फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नोरा देही सेंचुरी की स्थापना जो हुई थी 1975 में की गई थी और यह करीब 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। तो नोरा देही है जो 1975 में इसकी स्थापना सागर में की गई थी, 1200 वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्टेट एनिमल सेरोगेसी लैब कहाँ पर स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश में स्टेट एनिमल सेरोगेसी जो लैब है वो कहाँ पर स्थापित की गई है क्वेश्चन में पूछा गया। राइट आंसर आपका है इंदौर, इंदौर में स्टेट एनिमल सेरोगेसी की लैब जो है स्थापित की गई है। इतना आपको याद रखना है कि स्टेट एनिमल जो सेरोगेसी है उसकी लैब जो कि इंदौर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट
जो कि कौन बना है, कहां पर बना है। मध्य भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है, कौन बन गया है, तो राइट आंसर आपका है इंदौर। इंदौर जो है मध्य भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। 24 मार्च की जो रात से इंदौर एयरपोर्ट मध्य भारत का जो एयरपोर्ट बन गया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा, जो 24 घंटे खुला रहेगा, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा इंदौर। 84 साल पहले 14,000 रुपये में रखी गई थी इसकी नींव, जो 84 साल पहले रखी गई थी 14,500 में इसकी नींव रखी गई थी। तो 1934 में हम देख लेते हैं, तो होलकर राजाओं ने मिस्टर विंसेंट के परामर्श कर जो कि विमानतल निर्माण के लिए विजयसनी स्थल को चुना। 1400 रुपये से जो कि इंदौर एयरपोर्ट की नींव रखी गई थी। उसके बाद में 1937 के मध्य तक विमानतल का निर्माण पूर्ण हो गया था। 1946 में जो 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया के नाम से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। 1946 में बनी थी टाटा एयरलाइंस। ओके, तो यहाँ पे एयर इंडिया के नाम से एक जो पब्लिक जो लिमिटेड कंपनी बन गई थी। इसके बारे में नेक्स्ट आपका पॉइंट है 1948 में 26 जुलाई 1948 से इंदौर में नियमित उड़ान सेवा शुरू हो गई थी, और फ्लाइट जो है मुंबई इंदौर से आकर भोपाल ग्वालियर होते हुए दिल्ली, और दिल्ली से ग्वालियर भोपाल होते हुए जो कि इंदौर आकर मुंबई जाने लगी। इस विमान में 8 यात्री बैठ सकते थे। फिर 19 सीटर डकोतो विमान शुरू किया गया। ओके, 1970 में इसी मार्ग पर पाकर फैंसी विमान शुरू किया गया, क्षमता करीब 42 यात्री की थी। 2003 जो कि 3 में पहली बार 144 सीटों वाला एयरबस A319 शुरू हुआ, और 2004 में किंगफिशर ने दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान शुरू की। जी की तो यहाँ पे जो है किंगफिशर ने जो कि दिल्ली से मुंबई के लिए जो 2004 में उड़ान शुरू की थी। 2009 में जो कि गो एयर ने इंदौर से दिल्ली मुंबई के बीच उड़ान शुरू की। 2011 मार्च में इंडिगो एयरलाइंस की जो कि शुरुआत हुई थी 2011 में। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है, इंदौर के क्रिस्टल आईटी पार्क परिसर में दूसरा आईटी पार्क अतुल्य का शुभारंभ कब किया गया है। जी, इंदौर में जो दूसरा जो क्रिस्टल आईटी पार्क खुला है उसका शुभारंभ अतुल्य नाम से उसका शुभारंभ कब किया गया। पहले एक ऑलरेडी था दूसरा और खुल गया आईटी पार्क जिसका नाम है अतुल्य, इसका शुभारंभ कब किया गया, तो 1 मार्च 2019 को इसका शुभारंभ किया गया, इसका नाम है अतुल्य। ओके, तो यहाँ पे जो है ये क्रिस्टल आईटी पार्क है इसका दूसरा जो कि खुल गया है इंदौर में अतुल्य नाम से, 1 मार्च 2019 को इसका शुभारंभ किया गया है। तो लोकसभा स्पीकर और सांसद सुमित्रा महाजन जो की हैं, और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने खंडवा रोड स्थित क्रिस्टल आईटी पार्क के पास 50 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इंदौर के दूसरे आईटी पार्क का शुभारम्भ 1 मार्च 2019 को किया है। ओके, तो यहाँ पे लोकसभा जो स्पीकर है सुमित्रा महाजन, सांसद सुमित्रा महाजन जो है उन्होंने, और उच्च जो शिक्षा मंत्री है जीतू पटवारी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है इंदौर खंडवा रोड पर। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2018 का श्रेष्ठ टूरिस्ट जो कि फ्रेंडली तीर्थ स्थल का अवार्ड मध्य प्रदेश के किस तीर्थ स्थल को दिया गया है। वर्ष 2018 का जो श्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली तीर्थ स्थल का अवार्ड मध्य प्रदेश के किस तीर्थ स्थल को दिया गया है। राइट आंसर है आपका श्री दादाजी धूनीवाला दरबार खंडवा, इनको जो है टूरिस्ट फ्रेंडली तीर्थ स्थल का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे ये आपको याद रखना है, श्री दादाजी जो कि धूनीवाला दरबार जिनका जो कहाँ पे है, खंडवा में है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा श्री दादाजी धूनीवाला दरबार को वर्ष 2018 का श्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली तीर्थ स्थल का अवार्ड दिया गया। 1 मार्च 2019 को भोपाल के कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल में पर्यटन विकास के क्षेत्र में यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे पॉइंट और निकल के आता है कि मध्य प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री है वो कौन है, सुरेंद्र सिंह बघेल जी। आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप MP GK Trick जो है उसमें चले जाइए, वहाँ पे आपको उसकी जो ट्रिक मिल जाएगी, ट्रिक से आपको याद कर सकते हैं पूरे मिनिस्टर का। ओके, एक ही वीडियो देखने पर तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोवेशन एवं
इनोवेशन इन गुड गवर्नेंस के लिए वर्ष 2019 का APJ अब्दुल कलाम अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इनोवेशन इन गुड गवर्नेंस के लिए जो 2019 का जो APJ अब्दुल कलाम अवार्ड है वो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, इनको जो कि प्रदान किया गया है इनोवेशन इन गुड गवर्नेंस के लिए 2019 का APJ अब्दुल कलाम अवार्ड पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को जो कि प्रदान किया गया है। यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कि के अपने कार्यकाल में नवाचार के लिए चौहान को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 28 फरवरी 2019 को उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया है। तो जो कि ये किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 28 फरवरी 2019 को, तो उन्हें किस लिए दिया गया? नवाचारों के लिए, जो कि दिया गया अपने कार्यकाल में नवाचारों के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है। और यह अवार्ड सुशासन की दिशा में उनकी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। चौहान के कार्यकाल में मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी देने वाला जो है पहला राज्य बना है, जो कि शिवराज सिंह के कार्यकाल में। तो इन्हें इसलिए भी ये अवार्ड दिया गया है। जन शिकायत निवारण के लिए उन्होंने CM हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। तो जो CM हेल्पलाइन की जो शुरुआत की थी, ये की थी आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई थी CM हेल्पलाइन की शुरुआत, जो कि जन शिकायत के लिए उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में स्वामी अखंडानंद सरस्वती विशिष्ट अलंकार व्यक्तित्व से कौन सम्मानित किए गए हैं? तो जो स्वामी अखंडानंद जो सरस्वती विशिष्ट अलंकरण से व्यक्तित्व से जो सम्मानित व्यक्ति है वो है आपके राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। जी हाँ, इनको जो है अखंडानंद सरस्वती विशिष्ट अलंकरण व्यक्तित्व से सम्मानित किया गया अभी हाल ही में। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को 2 मार्च 2019 को जबलपुर के ग्वारीघाट स्थित साकेत धाम में आयोजित भव्य समारोह में स्वामी अखंडानंद सरस्वती विशिष्ट अलंकरण व्यक्तित्व से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको 100% एग्ज़ाम में आना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये राज्यपाल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, 100% एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। श्री राजीव लोचन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता जो की थी वो की थी बाबा कल्याण दास ने। ओके, और राजीव लोचन ट्रस्ट द्वारा जो कि ये समारोह आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए? मध्य प्रदेश में जो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए अभी हाल ही में? यहाँ पे जो बनाए गए वो बनाए गए आपके श्री यूके लाल को मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री यूके लाल को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पद पर पदस्थ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए? मध्य प्रदेश के जो मुख्य सूचना आयुक्त अभी नियुक्त किए गए वो किसको किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो है अरविंद कुमार शुक्ला। जी हाँ, अरविंद कुमार शुक्ला को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। उन्होंने तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त KD खान का स्थान लिया है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि अरविंद कुमार शुक्ला जो है इनके पहले जो है कि कौन मुख्य सूचना आयुक्त थे, तो इनके पहले KD खान थे, जो कि आपका अरविंद कुमार जो शुक्ला है इन्होंने KD खान का स्थान लिया है, जो 28 फरवरी 2019 को रिटायर हो गए। तो उसके बाद में जो कौन बनाया गया, अरविंद कुमार शुक्ला को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त पत्रकार राहुल सिंह व वन अधिकारी GV कृष्ण मूर्ति को बनाया गया है। तो जो सूचना आयुक्त है राहुल सिंह और GV कृष्ण मूर्ति को बनाया गया है, और मुख्य सूचना आयुक्त जो कि अरविंद कुमार शुक्ला को बनाया गया है। पॉइंट आपका याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के कौन से स्टेशन की संपूर्ण जिम्मेदारी कमान महिला शक्ति के हाथों कमान सौंपी जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है मदन महल स्टेशन। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर की जो मदन महल स्टेशन है इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो महिला शक्ति के हाथों में कमान सौंपी जाएगी।
जी विश्व महिला दिवस 8 मार्च 2019 को पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के मदन महल स्टेशन की संपूर्ण जिम्मेदारी कमान महिला शक्ति के हाथों सौंपने जा रहा है, जिसमें मदन महल स्टेशन पिंक स्टेशन बन जाएगा, जिससे जो कि मदन महल जो स्टेशन है वो पिंक स्टेशन बन जाएगा, महिला जो कि महिला शक्ति के हाथों में इसकी कमान सौंपने जा रहा है। इसलिए रेलवे बोर्ड ने 2 साल पहले भारतीय रेल में मटुंगा, विजयवाड़ा और पमरे से मदन महल स्टेशन को पिंक स्टेशन घोषित किया है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, मटुंगा, विजयवाड़ा, पमरे से मदन महल जो स्टेशन है इसको पिंक स्टेशन घोषित किया है रेलवे बोर्ड ने 2 साल पहले। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में ओलावृष्टि से लगभग 1100 पक्षियों की मौत हो गई है? तो ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का जिसमें अभी ओलावृष्टि हुई थी उससे जो कि 1100 पक्षियों की मौत हो गई है? आपका राइट आंसर है पेज टाइगर रिजर्व, जो कि सिवनी में स्थित है, सिवनी छिंदवाड़ा में आता है पेज टाइगर रिजर्व। इसमें जो है अभी हाल ही में जो ओलावृष्टि हुई थी उससे 1100 पक्षियों की मौत हो गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है पेज टाइगर रिजर्व, जो कि सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है मध्य प्रदेश में 2 मार्च 2019 को। जी पेज टाइगर रिजर्व के बफर के जोन में आने वाले 3 गांवों में जमकर तूफानी हवाएं चली, इसके बाद तेज बारिश और ओलों की बौछार हुई। तो ये कब हुई थी? 2 मार्च 2019 को हुई थी। उसमें क्या है, 1100 पक्षियों की मौत हो गई है। इस ओलावृष्टि ने फसलों को तो नुकसान पहुंचाया लेकिन पक्षियों पर कहर बरसा। जानकारी के अनुसार ओलावृष्टि के कारण कुल 1102 पक्षियों की मौत हो गई। इस ओलावृष्टि में 950 बगुले, 360 तोते और 152 कौवों की मौत हुई है। तो यहाँ पे जो ये हुई थी पेज टाइगर रिजर्व जो कि सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है, इसमें हुई है ओलावृष्टि जिससे क्या है 1100 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई है। ओके तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोडायवर्सिटी पार्क और फूलों की खेती के लिए उत्कृष्ट केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बायोडायवर्सिटी और पार्क और फूलों की जो खेती के लिए उत्कृष्ट केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा छिंदवाड़ा में ये किया जाएगा। यहाँ पे इसके पॉइंट है कि कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए छिंदवाड़ा जिले में 5,470.95 करोड़ रुपये की लागत से छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना का निर्माण किया जाएगा। भरता देव चंदन गांव में 9.95 करोड़ रुपए की लागत से बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण होगा। उद्यानिकी विभाग द्वारा छिंदवाड़ा जिले में 40 करोड़ रुपए की लागत से उद्यानिकी ट्रेनिंग सेंटर, जो कि 10.28 करोड़ रुपए की लागत से नींबू वर्गीय उत्कृष्ट केंद्र एवं 8.85 करोड़ रुपए की लागत से फूलों की खेती के लिए उत्कृष्ट केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ओके जो कि छिंदवाड़ा में आपका किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की 6वीं खुली जेल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में जो अभी हाल ही में 6वीं खुली जेल का जो शुभारंभ किया गया वो कहाँ किया गया? तो भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश गृह एवं जेल मंत्री श्री बाला बच्चन ने भोपाल की केंद्रीय जेल में प्रदेश की 6वीं खुली जेल का शुभारंभ किया है 6 मार्च 2019 को। सहकारिता एवं सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और सांसद श्री आलोक संजर जो कि भी उपस्थित थे इस कार्यक्रम में, तो जब इन्होंने जो कि खुली जेल का शुभारंभ किया है। ओके तो ये भोपाल में हुई है। होशंगाबाद, सतना, इंदौर, सागर और जबलपुर में खुली जेल का प्रयोजन सफल रहा है। तो इससे पहले भोपाल से पहले होशंगाबाद, सतना, इंदौर और सागर, जबलपुर में भी खुली जो जेल है वो उसका सफल प्रयोग रहा है। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है, इसके पहले कहाँ जो कि खुली जेल सफल प्रयोग में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण कितने प्रतिशत है? जी राइट आंसर है आपका 14%। वर्तमान में मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो 14% है। तो मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के अनुसार राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण को 14% से बढ़कर 27% करेगी। 14% है तो इसको 27% कर देगी कमलनाथ सरकार। यहाँ पे जो पॉइंट निकल कर आया करंट अफेयर का कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के अनुसार राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करेगी।
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से दुर्बल नागरिकों के लिए राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान है वो भी लागू करेगी। यहाँ पे ये पॉइंट आपका निकल कर आया है, 14 से 27% कर देगी। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद ने मध्य प्रदेश के कितने केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की है, तो मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की है केंद्रीय मंत्री परिषद ने, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 5 जो कि केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्री परिषद ने। मध्य प्रदेश में 5 नए केंद्रीय मंत्री जो कि केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, इसकी मंजूरी 7 मार्च 2019 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी गई है। ग्वालियर के नया गाँव, आगरमालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, मंदसौर के श्यामगढ़ में ये विद्यालय खुलेंगे। तो यहाँ पे इनका जो है लोकेशन भी उन्होंने बता दिए कहाँ ये खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। नए केंद्रीय विद्यालय 2022 तक तैयार किए जाएंगे, इसके लिए कैबिनेट ने 1500 करोड़ रुपए की जो कि मंजूर किए हैं, 1500 करोड़ रुपए इनके लिए मंजूर किए हैं केंद्रीय कैबिनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए कन्फेंशनरी पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है आपका इंदौर। कन्फेक्शनरी कोर्स जो पार्क बनाया जाएगा वो इंदौर में बनाया जाएगा। इंदौर में एक कन्फेक्शनरी जो पार्क बनाया जाएगा जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान में कौन सा संभाग प्रदेश में सबसे पहला जो स्थान पर रहा है, तो जो खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान में जो संभाग रहा है वो रीवा संभाग सबसे पहले स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान में रीवा संभाग प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है, साथ ही टीकाकरण में 100% उपलब्धि हासिल करने वाला प्रदेश का पहला जो संभाग बना है। रीवा के जो संभाग के कमिश्नर डॉक्टर आलोक जो अशोक कुमार भार्गव है, कमिश्नर जो यहाँ के वो अशोक कुमार भार्गव है। मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान में संभाग में लक्ष्य से अधिक 23,60,577 बच्चों को मिजल्स रूबेला के टीके लगाए गए, जब लक्ष्य जो है कि 23,54,698 बच्चों के टीकाकरण का था, तो इससे कहीं ज़्यादा इन्होंने लगाए इसलिए इनको जो है ये मिला है। मिजल्स रूबेला MR टीकाकरण अभियान में सीहोर जिले ने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस अभियान के अंतर्गत 9 माह से 15 वर्ष के जो बच्चों को मिजल्स रूबेला की बीमारी से बचाव के लिए विशेष टीकाकरण अभियान 15 जनवरी से संचालित किया गया था, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से मोबाइल ऐप की मदद से बिना थाने जाए रिपोर्ट करा सकते हैं, तो मध्य प्रदेश के जो कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है जिसकी मदद से बिना थाने जाए रिपोर्ट करा सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपका जो ऐप है वो है MP ECOP ओके ईकॉम MP ECOP आपका जो ऐप है MP ECOP ये जो ऐप है इसको जो है जारी किया गया है, तो मध्य प्रदेश पुलिस का MP ECOP MP COM ओके MP COM इसको बोला जाता है MP ECOM ऐप नागरिक सुविधाओं के लिहाज से एक बहुउपयोगी ऐप है। पुलिस विभाग द्वारा तैयार किया गया यहाँ एक ऐप नवीनतम तकनीकों के माध्यम से बेहतर सेवाएं प्रदान देगा, तो इसके माध्यम से जो है बिना थाने जाए रिपोर्ट करा सकते हैं MP ECOP ओके MP ECOP यहाँ पे जो ऐप का नाम याद रखना है MP ECOP। इस ऐप के माध्यम से नागरिकगण पुलिस स्टेशन जाए बिना खोई हुई वस्तु और दस्तावेजों की रिपोर्ट किसी भी स्थान जो से दर्ज करा सकते हैं, उसके पश्चात आप उसकी जो पावती है तुरंत प्राप्त कर सकते हैं ओके। तो MP ECOP आपको ये ऐप का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में देश का पहला दिव्यांग केंद्र जो खेल केंद्र कहाँ खोला जाएगा, आपका राइट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में जो है देश का मध्य प्रदेश में देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र खोला जाएगा। ग्वालियर में देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। 170.99 करोड़ की लागत से IIIM के सामने 17 एकड़ भूमि में यह केंद्र जो कि बनकर तैयार होगा। मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए यह पहली सुविधा है। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2021 तक पूरी हो जाएगी, तो ये जो कि ग्वालियर में आपका खोला जाएगा पहला दिव्यांग पार्क।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वाली पहली किन्नर कौन बनी है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वाली पहली किन्नर कौन बनी है, ये पॉइंट है आपका। तो यहाँ पे जो है संजना सिंह आपका राइट आंसर रहेगा। संजना सिंह जो है मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी वाली करने वाली पहली किन्नर बनी है। मध्य प्रदेश में संजना सिंह का नाम, जो कि संजना सिंह नाम की ट्रांसजेंडर सरकारी नौकरी पाने वाली पहली किन्नर बन गई है। किन्नर संजना सिंह को मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव की निजी सहायक बनाया गया है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी मिली है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपका बहुत IMP होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है जबकि ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरी मिली हो। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्रांसजेंडर अप्सरा रेड्डी को महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आपका निकल कर आता है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी है, इन्होंने भी जो ट्रांसजेंडर अप्सरा रेड्डी को महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मुकर थे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे के कौन से स्टेशन को इको स्मार्ट स्टेशन बनाया जाएगा, उपरोक्त दोनों। जी हाँ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर व भोपाल रेलवे स्टेशन को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के तहत जो है कि 15 मार्च 2019 के आदेश पर जो कि रेलवे बोर्ड ने इको स्मार्ट स्टेशन बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपका निकल कर आता है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको निकल कर आता है कि पश्चिम मध्य रेलवे जो कि जबलपुर और भोपाल रेलवे स्टेशन को, दोनों जो रेलवे स्टेशन है इसको इको स्मार्ट स्टेशन बनाया जाएगा। यहाँ पे आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 3 अप्रैल 2019 से चढ़ाई के लिए जाने वाली भावना डहरिया किस जिले की निवासी है। माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई के लिए 3 अप्रैल 2019 को जाने वाली जो मध्य प्रदेश की जो भावना डहरिया है वो किस जिले की निवासी है, तो वो छिंदवाड़ा की निवासी है। ओके, भावना डेरिया ने 16 जून 2017 को 16 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद हिमालय के द्रौपदी का डंडा नाम की 5,670 मीटर ऊंचाई पर जाकर तिरंगा लहराया था। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, भावना डेरिया जो कि छिंदवाड़ा से संबंधित है, जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए कठिन चढ़ाई के बाद हिमालय के द्रौपदी का नाम का डंडा जो कि 5,670 मीटर ऊंचाई पर उन्होंने तिरंगा लहराया था। और छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड की पर्वतारोही बेटी भावना। ओके, यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। IMP फैक्ट है, अगर आपने वीडियो देख लिया तो पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मार्च माह के पूरे इंक्लूड किए हैं हमने इसमें, और आपको डिटेल में इसके बताया, IMP फैक्ट भी बताया। तो यहाँ पे जो वीडियो है जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फर्स्ट जो 5 विनर होंगे उनके नाम हम बताएंगे, अनाउंस करेंगे अगले वीडियो में। तो जल्दी से सही जो आंसर है उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।